नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज फिर काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हमारे जो दिव्यांगजनों के लिए जो बैटरी वाली जो ट्राईसाइकिल है भारत सरकार इन्हें देती है। अभी हाल ही में उसका एक के छोटा सा नया एक्सपेरिमेंट यानी उसके अंदर चेंज करके गाड़ी को एक बार फिर से तैयार किया गया है। आज उसी गाड़ी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि नई गाड़ी अभी एलिम्को की आई है और उसके अंदर जो जो छोटे छोटे जो दो तीन चेंज किए गए हैं उसके बारे में, किस प्रकार से उसको सुगम्य बनाने के लिए, किस प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए कि भाई उसको और आसानी से दिव्यांगजन उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट एलिम्को भी करती रहती है दिव्यांगजनों के लिए, और आगे इसके अंदर जो भी छोटी मोटी कमियाँ होती रहती हैं उनको बेहतर बनाने के लिए काम करती रहती है। इसी बात को लेकर आज छोटा सा उसके अंदर जो दो तीन एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसी के लेकर को लेकर मैं आज एक ये वीडियो आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी एलिम्को की ये नई गाड़ी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर दो तीन नई जो चेंजिंग हुए हैं। वो पहला चेंजिंग है हमारा ये हैंडल, ये पहले जो हैंडल था वो ऐसे उठा के और वापस रखना पड़ता था, जो तकरीबन यहाँ तक आता था हमारे, और जब यहाँ पे बैठ के हम चलाते थे तो काफ़ी दिक्कत आती थी। लेकिन अब की बार एलिम्को ने इसको काफ़ी छोटा कर दिया है, इसको इस तरीके से घुमावदार बना दिया है कि भाई ये हमारे यहाँ तक बिल्कुल आसानी से यहाँ तक आए, और फिर उठने बैठने में कोई भी चाहे दिव्यांगजन है उसको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। उसी चीज़ को लेकर इसको इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ये जो हमारी नई गाड़ी आई है उसके बारे में, उसके फीचर के बारे में मैं आपको, इसके जो मेन जो मेन पॉइंट है उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला ये हैंडल के बारे में आपको काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। ये देखिए, जब आप इसको चलाएंगे तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हाँ किस तरीके से कितना अच्छा इसका अब फिलहाल जो हैंडल है उसको तैयार किया गया है। ठीक है, आप इसको अपने अनुसार छोटा या आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो पेच लगाया हुआ है इसको आप थोड़ा नीचे ऊपर, आप जिस प्रकार भी आप अपने हिसाब से करना चाहें आप कर सकते हैं। ये पेच आप खोल के इसको थोड़ा सा ढीला करके आप इसमें अपने अनुसार कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इसके अंदर चेंजिंग किया गया है और वो है ये, पहले इसमें वो गुटके लगा के जो लोहे वाले गुटके लगा के इसको इस तरीके से मेंटेन किया गया था, लेकिन अब की बार इसको गुटकों की जगह इसके अंदर ये लगाया गया है। ये पाइप ये भी काफ़ी हैवी पाइप है। ठीक है, और अब जो हमारे जो मिस्त्री थे, जो लोकल मिस्त्री थे, जो काम करने में इच्छते थे, उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है। अभी अब वो खोलने में और बांधने में अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसे ही सेम उस जो मोटर साइड है उसको भी इसी तरीके से मेंटेन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो दिव्यांग साथी थे उनकी कंप्लेंट आती थी कि भाई इनको कोई खोलता नहीं है, इनके काम नहीं करता है, ऐसे में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अब उसको इस आसानी तरीके से कर दिया है, जिस प्रकार हम कोई साइकिल का कोई काम करवाते हैं तो उसी प्रकार उसको भी इस तरीके से हैंडल कर दिया है कि ताकि उसके अंदर ज़्यादा झंझटबाजी ना हो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की वो ना हो। तो चलिए दोस्तों, कुल मिला के आप अभी देख सकते हैं ये गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से एक बार फिर से एलिम्को ने तैयार की है। अब की बार इसका कलर भी चेंज किया गया है, पहले इसका दूसरा कलर था, कलर में भी काफ़ी लुकिंग आई है, तो आप देख सकते हैं। और इसके जो नए नए जो डिज़ाइन है वो आते रहेंगे और एलिम्को इसके बारे में कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है ताकि दिव्यांगजनों के लिए और भी इसको सुगम्य बनाया जाए।
तो चलिए दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों, जिन भी दिव्यांग साथियों ने पूरे भारत में कोई सामान की आवश्यकता है, अलिम कुआसरा उस चीज़ के लिए आपको सामान प्रोवाइड कर सकता है। उसका जो चार्ज होगा वो जो अलिम को द्वारा जो डिसाइड किया गया होगा, और जो आप जहाँ पे भेजे जाएंगे जो कुरियर चार्ज वो लगेगा, वो आपको खुद देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।